हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करेंगे वो रहेगा हमारा मीन बाय डायरेक्ट मेथड। क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए अगर हमें क्वेश्चन में मीन गिवन है और फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो मिसिंग है वो फाइंड करनी है, तो हम सिर्फ सिंगल फॉर्मूले यानी कि डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा x बार इक्वल टू समीशन f x अपॉन समीशन f। तो इस केस के अंदर हमें पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, f को x से मल्टीप्लाई करना है। सो वी फाइंड f इनटू x। सो 3 इंटू 6 18, 5 इंटू 8 40, 15 इंटू 7 105, 9 इंटू p 90, 8 इंटू 11 88 एंड 13 इंटू 4 52। अब जो fx का वैल्यू हमारे पास है, इस fx की वैल्यू का हमें क्या फाइंड करना है, सबमिशन यानी कि ऐड करना है। तो समीशन fx इक्वल टू 303 प्लस 9p रहेगा और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समीशन f की वैल्यू हमारे पास रहेगी समीशन f इक्वल टू 41 प्लस p। अगर हम इस क्वेश्चन का सम करें तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में इस टेबल का आंसर यानी कि मीन गिवन है। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5 देन फाइंड p। p फाइंड करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी में, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x बार की वैल्यू हमारे पास 7.5 है, fx की वैल्यू है 303 प्लस 9p एंड समीशन f की वैल्यू है 41 प्लस p। तो 7.5 अपॉन में 1 देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 303 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया 9p इक्वल टू 7.5 को 41 और p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 307.5 प्लस 7.5p। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा हमारा। अब हम वैल्यू ट्रांसफर करेंगे 9p 7p को ट्रांसफर किया 7.5p 307.5 माइनस 303। सो आफ्टर सबट्रैक्टिंग 9p माइनस 7.5p 1.5p इक्वल टू 4.5। सो p इक्वल टू 4.5 अपॉन 1.5। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा p। इट मींस मिसिंग फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या रहेगी, 3 रहेगी। सो p इज इक्वल टू 3 सॉरी p इज इक्वल टू 3 ये हमारा आंसर रहेगा। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ये क्वेश्चन रहेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है।